opening batting fielder Sanjom Bagan Sijwa team sao aur Sanjom Bagan Sijwa team kan mazboot team hara pate kahin na kahin na maidan e jang mein pe gol pate pe gol pe Sanjom Bagan team hara pate meta mein Raj plus to Pakur team do quarter the beta safalata hai kada aur uka pe gote gol hai kan bariya gol do stepper jutwata hai kada मिटे गोल दो रामचंद्र मरंडिया नुडा मेल खाए का दो एफ से अतापो टीम का पिछला मैच का रिकॉर्ड बना से सफा दबा करा तो पिछला मैच में एफ से अतापो टीम का जो आपका सामना हुआ था खेजुरिया फुटबॉल एकेडमी बांदा के साथ इनका आपसी फैसला हुआ था और उस मुकाबले में कहीं ना कहीं दोनों ही टीम मैदान जंग में बहुत ही तबरतोड मुकाबले को खेले अच्छा मैच को खेले लेकिन मैदान जंग में गोल नहीं हुआ था लेकिन ट्राई बेकर के माध्यम से कहीं ना कहीं एफ सी अर्तापुर टीम जो है खेजुरिया फुटबॉल एकेडमी मालदा टीम जैसे मजबूत टीम को हरा कर यहाँ क्वार्टर तक का सफर को तय किया है तो निश्चित रूप से यहाँ माशाल्लाह जिस प्रकार से जिस लय में यहाँ दोनों टीम ने खेल रहा है दोनों टीम जिस प्रकार से इस मुकाबले को खेल रहे हैं निश्चित रूप से आप अनुमान लगा सकते हैं आप आईने में देख सकते हैं कि इस मुकाबले में कभी भी ओपोनेंट के ऊपर गोल होने की संभावना है इस मुकाबले में दोनों टीम में से माशाल्लाह जी हाँ मंगल दोनों टीम एक तगड़ा मुकाबला को खेल रहे हैं अर्तापुर टीम एफ सुधराव कसर बनाए थे लेकिन नाइकी मरंडी जो फर्स्ट पोस्ट में आक्रमण किया था उस जगह में स्टीफन हेम्ब्रम फर्स्ट पोस्ट को कवर कर लिए हुए थे इस वजह से वहां पर वो गोल नहीं हुआ था लेकिन ये बेहतर मौका जो मिला था अर्तापुर टीम लेकिन फिर से रामचंद्र मरंडी टीम के ये भी काफी धुंधला खिलाड़ी हैं जमीनी पास वहां पर स्टीफन का लेकिन स्टीफन का शॉट इस बार सही नहीं हुआ स्टीफन टुडू जर्सी नंबर 10 में पहला राउंड का मैच में इस खिलाड़ी ने दो गोल लगाया है और रामचंद्र मरंडी के नाम एक गोल यानी 3-0 से राज प्लस टू पाकुड़ टीम हाउस डाउन का मैच में जीता था लेकिन अब यहां पर उसका भिड़ंत अर्तापुर टीम के साथ हो गया है क्योंकि अर्तापुर टीम भी वो टीम है जो जैसे भी मजबूत हो अपना प्रतिद्वंदी टीम जितना भी मजबूत हो उस टीम को सामना करने का वो हमेशा क्षमता रखते हैं एफ सी अर्तापुर क्योंकि अर्तापुर टीम यहाँ पर आप बात करें मंडी लाइसेंस हुए यहाँ पर अजय हंसदा टीम कैप्टन और अजय हेम्ब्रम को भी अब टीम में जोड़ दिया गया है 14 नंबर जर्सी पर एफ सी अर्तापुर टीम से लेकिन यहाँ से फाउल की करने के लिए एक फ्री की करने के लिए फाउल जो हुआ है यहाँ पर मैच रेफरी झंटू दास सर मैच को देख रेख कर रहे हैं साथ ही साथ सहायक रेफरी का भूमिका में सुमान दास सर और ए आर टूना अशीत दास सर फोर्थ ऑफिसर रेफरी के रूप में ओपन सुरकार सर इंद्रजीत विश्वास सर और मजूमदार सर सभी रेफरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज दिन का ये लास्ट मैच और आज हर मैच को बड़ा ही बेहतर अनुभव के साथ वो मैच को संचालित किया है क्योंकि यही सभी रेफरी है जो कि बड़े बड़े टूर्नामेंट को लगातार वो संचालन करते हैं और आज गर्व की बात है जो आज सर्वोदय सिद्धार्थ सिंह कैलाशपुर
टूर्नामेंट का हर मैच का देख रहे यहाँ पर लगभग लगभग आए दिन का। अब ये आखिरी मैच आखिरी पड़ाव की तरफ हम सभी चल पड़े हैं, लेकिन इसी क्रम में गेंद को बढ़ा दिया गया यहाँ से राजपुर के पाकुड़ टीम की तरफ से। अजय बंडी के लिए बंडी वहां से बॉल जर्सी नंबर 5 को खेल दिया था राहुल हेत्रम फिर से लाइसेंस सेगर को खेल दिया है और सेगर वहां से वो जगह को प्लास रहे लेकिन अजय खेल रहे लेकिन वहां पर सौ पर फिर से सही लाइसेंस को खेल दिया। क्या लाइसेंस प्ले नहीं पाएंगे? जी हाँ, गेंद को कंट्रोल तो जरूर किया था लेकिन अब यहाँ पर गोल लाइन से बाहर अब गेंद चला गया यहाँ से टच लाइन यानी साइड लाइन से बाहर होने से तो बचाया लेकिन गोल लाइन से बाहर होने से रोक नहीं पाए थे और ऐसे में यहाँ पर गोलकीपर करने के लिए राजपुर के पाकुड़ जी के जो नियमित डिफेंडर हैं कदू हस्ता एक लंबी बॉल खेल लिए थे लेकिन फिर से जिंटू दास सर वहां पर फाउल का कॉल दे दिए हैं और फ्री किक करने के लिए फिर से यहां पर एफसी अर्तापुर गापा हो निकल की घमासान मैच हुआ गापा का तो लहर भी नहीं ले दुका गोड्डा को यहाँ बढ़िया नुका की नामदा की चित्र बना सासों के सहायक नहीं करो और रिमांड अपन जगह से उधर गापा खिलौड़ मुझे ला रहे थे गपा देखा कि बुढ़ू आ सके बचा संख्या रहा मैं कर रहे कौन कौन लगी 6 नंबर में अजय हंसता शॉट में पावर जरूर मैं कर दिशा ही शॉट क्रॉस बार पर जीता था बॉल गोल लाइन से बाहर से गोल भी पे जमे थे राज प्लस टू पाकुड़ मीतलारगी सुखलाल मुर्मू अर्तापुर टीम के लिए इस बार एफसी अर्तापुर टीम को मिल गया है। सुखलाल ने एक लंबे गोल खेल दिया हमारे लाइसेंस के क्षेत्र में लेकिन टोपन वहां पर मौजूद है टोपन किसको 14 नंबर में सैले और वहां पर कृष्णा के बीच में यह टक्कर लेकिन अब यहाँ पर थ्रोइन होगा थ्रोइन करने के कौन क्योंकि वहां पर दोनों टीम के खड़े वहां पर 50-50 चैलेंज किए थे वहां पर हालांकि सजला भी वहां पर गिर रहे थे लेकिन कृष्णा का जो बैलेंस वहां पर गड़बड़ा गया और स्वतः वो गिर पड़े थे जमीन में इस वजह से फाउल का कॉल वहां पर मैच रेफरी जंटू दास ने नहीं दिया है। उस सिचुएशन में वहां पर कोई रिएक्शन नहीं मैच रेफरी जंटू दास सर का लेकिन इसी तरह यहां से मंडी ने इस बार यहां से 11 नंबर में नाइकी को खेल दिया था फिर से सीबू इस बार निकलेंगे राजपुर टू पाकुड़ टीम धीर में बोल का परिसर वहां से सीबू लेकिन एक दो फेर को कटाने के बाद गेंद को आगे बढ़ा दिया है यहां से दिलीप ने स्टीपर को खेल दिया है और स्टीपर फिर से यहां से सीबू के लिए इस बार यहां से पटवारी नहीं डिविजन है 15 नंबर में लेकिन अब यहां पर पटवारी हेडर के तहत गेंद को ऑफ करने का प्रयास कर रहे हैं फिर से रामचंद्र यहां से शिबू अभी भी शिबू का तैयार यहां पर खतरा हो सकता है पेनल्टी एरिया में गेंद डेंजर एरिया में गेंद आ गया था और एफसी अर्तापुर टीम आज यहां इस बिगड़ परिस्थिति से वो निकल रहे हैं। राज प्लस टू पाकुड़ टीम आक्रमण करने का जो वहां पर उनको मिला था लेकिन वो शॉट नहीं लगा पाए थे लेकिन फिर से बॉल इस बार आ जाए हंसा 6 नंबर जैसी टीम के कप्तान इस समय एफसी अर्तापुर बॉल का पोजीशन अच्छा ड्रिबलिंग गति का इस्तेमाल करके फिर से वहां से नाइकी के फुल बैक में वहां पर कनू हंसा का बॉडी में डिफ्लेक्ट होकर फिर से डेविसन 15 नंबर वहां से सैलो के लिए और सैलो ने बिग पास खेल दिया है जैसे नंबर 5 पानी खाए राहुल हेप्रम के लिए राहुल भी मैं इनको देख पा रहा हूँ लेफ्ट फुलबैक का पोजीशन देखो काफी क्लियर खेल रहे हैं काफी साफ सुथरा मैच खेल रहे हैं लेकिन अब स्टीफन धीरे धीरे शिबू ने फिलहाल धीरे में उछाल दिया है यहाँ से शिबू क्या चार गोल होगा कि नहीं ये बेहतर गोल हो गया है
दिलीप के नाम एक गोल, लगभग लगभग 20वां मिनट के अंदर यहाँ पर राज कलेक्शन पाकुड़ टीम एक गोल लगा लिए हैं। गोल का परिसर इस बार अजय हजदा, लेकिन साबिल ने गेंद को ले लिया है। राज प्लस टू पाकुड़ टीम, लेकिन लाइसन यहां पर गेंद को बंडी के लिए छोड़ दिया है। बंडी गोल को लेकर आगे बढ़ रहे यहां पर नाइकी के लिए। यहां पर क्या गोल होगा? अब यहां पर ये था ऑप्शन, लेकिन फिनिशिंग वहां पर नहीं लगा पाए थे। अर्थापुर टीम एक अच्छा रन वहां पर बन रहा था, अच्छा मूव के साथ एक मौका बना था, लेकिन यहां पर गोल मेरे अनुमान में लग रहा है शायद यहां पर अर्थापुर टीम बहुत ही जल्द मैच वापसी कर लेंगे, क्योंकि उसका मैच का सिचुएशन से ये चीज पता चल रहा है। लेकिन अगला गोल गिरे फिर से दिलीप, लेकिन यहां पर फ्री बॉल है। 1-0 का बढ़त इस मैच में राज प्लस टू पाकुड़। 20 मिनट के अंदर जो गोल हुआ था, सेमीफाइनल मैच से कम नहीं। यहां पर आप समझ सकते हैं दोनों टीम एक तगड़ा मुकाबला को खेल रहे हैं। तो मंगल यहां पर एक गोल अब लगा लिया है राज प्लस टू पाकुड़, लेकिन अभी भी यहाँ पर एफ अर्थापुर के हाथ में काफी समय है। फर्स्ट हाफ का ये मैच चला है पर, लेकिन अब तक का मैच में 1-0 का लीड राज प्लस टू पाकुड़ के पास। यहाँ पर अर्थापुर टीम को मैच में और थोड़ा सा प्रयास करना है मैच को लेवल करने के लिए। यहाँ पर अर्थापुर टीम भी वो मौका बना रहा है, लेकिन उसके तरफ से अब यहाँ पर वैसा तगड़ा फिनिशिंग नहीं हुआ है और जो नजदीकी ऑप्शन फिनिशिंग करने के लिए नहीं बना है, क्योंकि डिफेंस लाइन में यहाँ पर सोपन रक्षापंथी बैच से साथ ही साथ यहाँ पर कन्हू को मैं देख पा रहा हूँ और यहाँ से लखन हजदा हमेशा वो प्रयास करते हैं अपोनेंट टीम को बाधित करते हैं, अपोनेंट टीम को गोल लगाने राज दिया जाए और रिटर्निंग गोल करने के लिए एक से अच्छा पूर्ति वो हमेशा प्रयास कर रहे हैं। सही लगा हेडर लाइसन के लिए, लेफ्ट ब्रेक क्षेत्र में लाइसन टूटी। यहाँ पर क्या गेंद टूटी पे डाल पाएंगे जी? हाँ, यहाँ पर ये था मौका, लेकिन हेडर अपना बेहतर नहीं लगा पाए। अजय हेम्ब्रम क्योंकि शॉट काफी पावरफुल था यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइसन ने जो शॉट लगाया था मतलब यहाँ पर ये शॉट अगर थोड़ा सा एक लॉपिंग शॉट रहता जब कभी भी आप क्रॉस करते हैं। अच्छा बोल दीजिए, बोल दीजिए लगती कौन है अर्थापुर टीम मैच रे बाप से जो लगी मीठे महत्वपूर्ण गोल पहल हापना समय नोडा मेल कर ली सभी आरो से सरे कर गया कहते हैं मीच गुटे गोल वापस लगे समय में लग रहे पहला प्रयास बैठ कर देखो कोई प्रयास खेल कला का हेल्प कर रहे एक से आता पुटी मुझे यह था टीम कैप्टन गेंद को पास रहा था इसी बीच में फिर से वहां
बल्ले के लिए गेंद, बल्ले समय गेंद को पास दिखाया, हाफ लाइन के करीब हम पास नंबर के लिए, लेकिन यहाँ राहुल हैदर सही तरीके से गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए और गेंद कहीं ना कहीं, लेकिन शॉट लगाने वाले खिलाड़ी के ऊपर यहाँ से डिपेंड रहेगा कि किस प्रकार का शॉट जमाएंगे। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ से मैच को वापसी करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ से दो ब्लड का इंजरी टाइम इस फर्स्ट हाफ के मुकाबले में यहाँ एड हुआ है। तो यहाँ से लगभग लगभग पांच छह प्लेयर्स का बाल बन रहा है, लेकिन इस बाल को किस प्रकार से फेंकेंगे यहाँ एफ सी अतापुर टीम के प्लेयर। अच्छा रन चले गए अर्थापुट्टी, अब क्या यहाँ से मौका बनेगा। मैं 300 लेकिन बॉल में टकराई और गेंद कहीं ना कहीं गोल लाइन से बाहर। अजय और बंडी बहुत ही सुंदर वहां से मौका बना रहे थे कि वहां से अपोनेंट के खिलाड़ी को वहां चकमा देने का भरपूर प्रयास रहे थे, लेकिन वहां शॉट बॉल में टकरा गई। नहीं कभी ना हमने कौन लाइसेंस तोड़वा भरपूर प्रयास हुए जेल लगी अजय तो देखो बॉल कंट्रोल करते हैं हायर एंड सपोर्टिंग ने गिव देखो शूट कला पदा पीच से देखो अच्छा प्रयास बैक कर देखो लपेटिंग शॉट है ना दिल्ली मरज लगे दिल्ली पास था पास स्टेप पर टू स्टेप पर तो देखो बैक पास के गति के सामने कोई दिल्ली मरज लगे बैक कर अच्छा ताल बल फिर से समीर दिल्ली को मिले अच्छा अटेम्प्ट आप सभी जानते हैं कि ये सोहराय पर्व जो मनाया जाता है ये हम लोगों के लिए भी है, साथ ही साथ हमारे जितने भी जो कि खासकर जितने भी गाय हो या भैंस हो इन सभी का भी एक अच्छा त्यौहार आता है और इन सभी के बदौलत ये त्यौहार को मनाया जाता है। इसलिए आज कहीं ना कहीं खुंटा पर्व मनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज कलदासपुर के गांव में खुंटा दिन तो निश्चित रूप से जितने भी गेल गाय भैंस जो भी हो जो खुंटा करने का जो काम है आज जो दिन है उसको पूरा करेंगे जरूर हमारे कलदासपुर के निवासी और सर्गित हीन वाकल कलदासपुर अतुलना दिन का खुंटा महापुरा और रतन बटकर बोले सोहराय पर्व वा हतील कम सोहराय पर्व नेता वाच ना सरेगी नवा सोहराय पर्व ओका दो तिन दो गैनरा बिहु पर्व का दो नुकु को बदलते नवा सोहराय पर्व का दो मनावे का नबो अति बसी को आने से तुम्हे तिन दो नहानवा कलदास प्रातुन ना का दो खुंटा दिन करा आने से तुम्हे उन्हें मैच मलंग में चबाना मुचल मैच चबाना रिजल्ट और वाकन के ते तीन कम से कम वहाँ पहले दिन है ऐसे लगता तो किन्हें तो नहा कदा भैया तो से डंगा भैया को कदा खुदा को तो उनको कुछ रहा लगे कम से कम समय और तो जबर बोल दिया हार हार ऐसे नीदरलैंड है थोड़ा यहाँ से काफी संघर्ष काफी मेहनत करने की जरूरत है यहाँ से कहीं ना कहीं एफ सी अतापुर टीम को मैच में वापसी लाने के लिए। और
अच्छा पास लेकिन वहाँ हेडर के वजह से वहाँ एक पास खेल दिए फ्रीबॉल के लिए और फ्रीबॉल ने वहाँ पास उठाया अपने सपोर्टिंग के क्षेत्र में लेकिन वहाँ सेकंड वो हंसदा ये बहुत ही अनुभवी प्लेयर ये फुलबे के पोजीशन से अक्सर खेला करते हैं और आज भी फुलबे के पोजीशन से अच्छा योगदान दे रहे हैं अपनी टीम के लिए और सुभाष के पास गए सुभाष ने पास बढ़ा दिया सिद्धि रामचंद्र के लिए रामचंद्र यहाँ से लेकिन सिद्धि वहाँ सीधे ऊपर को रामचंद्र को ढूंढ के निकला है सिद्धि संजय सोरेन के लिए गेंद को फटका दिया इसी बीच संजय सोरेन क्या यहाँ से मौका बना सकता है लेकिन ये थोड़ा सा वहाँ हिट कर बैठे सामियल सोरेन एक अच्छा चांस बन रहा था लेकिन रास प्लस टू पाकु टीम के लिए सेकेंड गोल को दागने के लिए सुझा रहा अवसर लेकिन सही तरीके से वहां और टारगेट शॉट नहीं जमा पाए कहीं ना कहीं स्टार प्लेयर सामियल सोरेन लेकिन यहां से अगर हम बात करें तो ये सेकेंड हाफ का महज 8वें मिनट आप चले बन पर है अब यहां से इस बचे हुए से समय पर इस मुकाबले में एशिया टापू टीम को काफी संघर्ष करने की जरूरत है मैच में वापसी लाने के लिए क्योंकि बचे हुए से समय पर इनको चाहिए मैच में वापसी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण गोल लेकिन जब तक इस मुकाबले में वापसी आना है बहुत ही सुंदर रिकवरी लखन गिरवान और यहां से अच्छा प्रयास लेकिन वहां गलती कर दी लाइसेंस टू गेंद को लेने वहां जबरदस्त तरीके से गेंद को लेने का प्रयास और निश्चित रूप से इस बार फ्री किक को जीतेंगे राज प्लस टू पाकु टीम
चेकिंग सर 11 नंबर को चेंज किया जा रहा है अल्तापुर टीम से, उसके जगह में आप 12 नंबर पिच पर खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर राज प्लस टू पाकुड़ टीम दूसरे हाफ का मैच में भी वो एक गोल कर लिया है। तो यहाँ से अल्तापुर टीम का मैच में और ज्यादा यह प्रभावित करेगी, क्योंकि जब कभी भी कोई भी टीम अगर दो गोल कर लेते हैं तो वहीं से उसका खेलने का जो स्टैंडर्ड है, उसका खेल का जो विश्वास है अपने आप में, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। और 2-0 का मजबूत पकड़ के साथ अब मैच को खेल रहे हैं यहाँ पर राज प्लस टू पाकुड़ टीम। लेकिन अल्तापुर टीम को यहाँ से मैच को वापसी करने के लिए दो गोल को वापसी करने के लिए इसको यहाँ पर जी जान प्रयास करना होगा, तभी वो मैच को लेवल कर पाएंगे। क्योंकि पहला हाफ का मैच में एक गोल आया था दिलीप मरंडी की तरफ से, सेकेंड ओवर सेकेंड हाफ का मैच में स्टीफन डुडू, इसमें रामचंद्र मरंडी का एक अच्छा योगदान। लेकिन अब गोल की करने के लिए कन्हू भत्ता राज प्लस टू पाकुटी मंडी स्टार खिलाड़ी, इसी के बीच में लाइसन ने फिर से वहां से 12 नंबर को खेल दिया है। 12 नंबर में जो बेस है रमई हेम्ब्रम, अर्तापुर टीम वो जहां कौन बाउन को टीम बॉडी नपा गति के नाम मेनखान गोल की थोड़ा का अभाव है, नमक ना कुछ को गोल बाउन के ना खिलोट बॉडी से ऊपर गया। अर्तापुर टीम का भी खेल काफी बेहतर है, यहां से खेल में आप छोटी सी भी मिस्टेक्स को आप यहां पर त्रुटियों को भी आप निकाल नहीं पाएंगे, बस यहां पर गोल का अभाव है मेरे अनुमान में। अगर फिनिशिंग किया जाए सही समय में और डागर शूट किया जाए तो यहां से वापसी किया जा सकता है। डिफेंस लाइन को बीट करने वाले खिलाड़ी यहां पर रामचंद्र मरंडी और स्टीफन, जो हमेशा आपकी तालमेल आपकी कम्बिनेशन बना रहे हैं। लेकिन इस समय सहिला इस बार गेंद भेजेंगे एफसी अल्तापुर टीम से, उन्होंने गेंद को रिलीज कर दिया है स्टीफन का क्षेत्र में। यहां से फिर से रामचंद्र अपना गति का इस्तेमाल करेंगे, रामचंद्र मरंडी यहां पर अगला गोल खेले लेकिन उसको बाधित किया गया है। डिवीजन 15 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी समय अल्तापुर टीम से रामचंद्र को रोका और गोलकी करने के तुरंत बाद यहां से बॉल इस बाधित लेंगे एफसी अल्तापुर टीम। अल्तापुर टीम से लाइसन टुडू को आप गेंद मिल गया है, लाइसन वहां से एक बार अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी को निहार रहा है लेकिन समानांतर दिशा में इस बार पटवारी को खेल दिया है। पटवारी यहां से सुभाष बॉल पर संसाधन पर दिलीप के लिए, यहां पर अपना गति का इस्तेमाल करेंगे, गेंद को जरूर वहां पर गोल एरिया में बढ़ा जाता सामियल सोरम के लिए, लेकिन एक अच्छा इंटरसेप्शन वहां पर देखने को मिला एफसी अल्तापुर टीम की तरफ से सेंटर फुल बैक का एरिया में। और यहां से मंडी फिर से बॉल को इस बार जीत लेते हैं अजय हंसा टीम के कैप्टन अल्तापुर टीम, धीरे धीरे लाइसन वहां से गेंद को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और गेंद को डीप पे डालने का हर संभव प्रयास। लेकिन यहां से स्टीफन हेम्ब्रम को एक स्पेस मिला वहां पर, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं क्योंकि मैन को वहां पर कवर किया गया था यहाँ लखन हजरा के द्वारा राज प्लस टू पाकुड़। लेकिन अब यहाँ पर गेंद को बढ़ा देंगे 4 नंबर में पटवारी सोरेन, कॉल आ गया है फाउल का मैच रेफरी, यहाँ से एडवांटेज देने का सोच रहे थे यहाँ पर हमारे मैच रेफरी। खिलाड़ी हमेशा वो चाहते हैं कि एडवांस तुरंत ही वो वहां पर रिसीव बजाने के लिए, लेकिन वैसा नहीं है,
मैच में भी हमेशा वो मैच का सिचुएशन वो कंडीशन को स्टडी करते हैं, वो देखते हैं, तभी वो अपना फाइनल डिसीजन देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब कभी भी आप हड़बड़ी में कुछ भी कर देते हैं तो वहां से गड़बड़ी निश्चित होगा। बस यहां पर सिचुएशन को देखते हुए कुछ ऐसा कंडीशन है वहां पर रेफरी एडवांटेज करते हैं, लेकिन इसी क्रम में खिलाड़ी को चेंज करने का भी तैयारी हो गया है। इसमें राज प्लस टू पाकुड़ टीम से जलसे नंबर 7 में शिवू को रिप्लेस किया जा रहा है उसके जगह में। जलसे नंबर 8 पाने खड़े बेंच से खेलने के लिए रोनी टुडू, रोनी अब खेलने चल रहे हैं, तैयार हो गए हैं। लेकिन फिलहाल 2-0 का बढ़त अब यहाँ पर बना ली है और ऐसे में थोड़ा सा जल्दबाजी वहाँ पर मंडी, क्योंकि खिलाड़ी ग्राउंड से वो बाहर हो ही नहीं थे और एक भी नहीं गए थे यहाँ पर उसके जो बेच थे जो अगला खिलाड़ी थे रोनी। और इसी क्रम में एक अच्छा मौका मिल गया है, खिलाड़ियों से अनुरोध है आप रेफरी का बातों में आप बने रहने का प्रयास करें। मैं यही जानता हूं मैच के दरमियान रेफरी का जो डिसीजन है वो फुल और फाइनल डिसीजन होगा, कभी भी रेफरी का डिसीजन बहुत दौड़ ही होती है, हमेशा रेफरी अपना डिसीजन में वो अड़िग रहते हैं। इसलिए रेफरी का जो डिसीजन है वही सर्वमान्य होगा। इसी क्रम में एक बेहतरीन मौका इस बार एफसीएल टापू टीम कम से कम यहाँ पर एक गोल को हासिल करने के लिए और लगभग लगभग यहाँ पर 10 यार्ड की दूरी में 7-8 रन से बना गोल। लेकिन यहाँ पर ये देखिए क्या बेहतर फिनिश किया था यहाँ पर अजय हंसा, लेकिन थोड़ा सा वहां पर फ्रेम से बाहर बने था, गोल को यहाँ पर कम किया जा सकता था। टारगेट पर रहना तो निश्चित यहाँ से गोल होता। मैं याद करता हूँ अजय हंसा का शॉट जो फिलहाल हम यही बगल में ही जो बंसिंगपुर ग्राउंड है बंसिंगपुर में जो मैच हुआ था वहां पर ऐसा ही एक फ्री किक जो शॉट लगाया था, एक बेहतर शॉट लगा करके वो गोल किया था। लेकिन आज यहाँ पर कहने का मतलब अजय हंसा फ्री किक के वो स्पेशलिस्ट है, साथ ही साथ उसका जो खिलाड़ियों को बीट करने का ड्रिबल करने का उसके पास वो कला है, वो जानकारी है, वो अनुभव है कि वो अपने टीम को निश्चित ही वो बीट कर लेंगे। लेकिन आज वैसा बेहतर ऑप्शन उसको नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पर इस मैच में अब तक का मैच में 2-0 का बढ़त इस समय राज प्लस टू पाकुड़ टीम, लेकिन कॉर्नर स्पोर्ट की तरफ यहाँ पर अब इशारा हो गया है बेंच रेफरी थोड़ा सर का और कॉर्नर की करने के लिए मौका इस बार राज प्लस टू पाकुड़ टीम वहां से दिलीप का अच्छा शॉट, लेकिन बॉल इस बार सजल के लिए सजल ने लाइसेंस के लिए गेंद का गुजरा था, लेकिन फिर से बॉल टू सर यहाँ से लखन बेपास खेल देंगे कदू के लिए और लाइसेंस यहाँ पर तब गेंद को बाहर जाने दिया है। लेकिन अब थ्रोइन करने के लिए यहाँ से मौका मिल जाएगा राज प्लस टू पाकू के बीच प्लस टू टीम दो नंबर सुखलाल मुर्मू और टापू टीम से मंडी के लोगों को बढ़ा दिया सेंटर चैनल में। इसी तरह में फिर से लाइसन और सिकला तालमेल काफी बेहतर, लेकिन ये देखिए क्या खूबसूरती गोल और यही तो मैं चर्चा कर रहा था मंगल अजय हंसा यही सोच से वो जाने जाते हैं। फ्री किक जो लगाया था वो गजब का था, लेकिन इस बार जैसे उसको मौका मिला 18 यार्ड बॉक्स के अंदर बाहर से ये एक बेहतर फिनिश करके कम से कम एक गोल कर दिया है। लेकिन अभी भी समय इस मैच में है मैच को लेवल करने के लिए, बस यहाँ पर इसको मैच में और ज्यादा पकड़ लाने के लिए मैच को लेवल करने के लिए ऐसा ही सोच की आवश्यकता है, ऐसा ही सोच अगर लगाएंगे तो निश्चित यहाँ से गोल होगा। व्हाट अ नाइस फील्डिंग गोल फ्रॉम मजाई हस्ता जर्सी नंबर 6 फ्रॉम एफसी अर्तापुर टीम। सेम काइंड ऑफ शॉट इज रिक्वायर्ड फॉर एफसी अर्तापुर टीम टू
इक्विलाइजर का मैच। हम सभी जानते हैं रेफरी एक मैच में वो मालिक होता है, उसका जो डिसीजन होगा, उसका जो फैसला होगा, वही सर्वमान्य होगा। उसी में हम सभी को संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि मैच का हर जिम्मेवारी उनका हाथ में सौंप दिया गया है। बस हम सभी को बैठ करके मैच का आनंद लेना है। लेकिन यहाँ पर दोनों टीम को किस तरीके से बेहतर वो मैच संचालन करेंगे, दोनों टीम के बीच बिना पूछताछ किए मैच को वो देख रेख करेंगे, ये सारा चीज हमारे ऑफिशियल टीम में है। हमारे ऑफिशियल टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो कोलकाता से चलकर आए हैं। मैच रेफरी के रूप में जिनको आप देख पा रहे हैं झंटू दास सर, ये कई बार दफा ये भी हमारे इस पाकुड़ क्षेत्र में आए हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट को ये संचालन करते हैं। साथ ही साथ सुमन दास सर A.R.1 में जिनका देख पा रहे हैं, ये भी कई बार दफा वो भी क्षेत्र में आप उनको देख पाएंगे। A.R.2 में आशीष दास सर, ओपन सरकार सर फोटो पिकल रेफरी के रूप में, इंद्रजीत विश्वास सर और विद्यार्थी मजूमदार सर जो हमारे टीम रेफरी जो फोर्थ ऑफिशियल रेफरी के रूप में जो टेक्निकल टेबल के पास जो आप बैठे हुए हैं, सभी छह रेफरी जो आज शुरुआती समय से ही मैच का जो संचालन कर रहे हैं काफी बेहतरीन तरीके से, इन सभी रेफरी को इस बेहतर संचालन के लिए आज विशेष रूप से आई टूर्नामेंट का प्रथम दिन में सर्वोदय संथाल संघ कालिदासपुर इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं मैच के दरमियान रेफरी या टूर्नामेंट को संचालन करने के लिए रेफरी एक वो अंश होते हैं जो हर मैच को अपना कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन इसी क्रम में बॉल का पोजीशन यहां पर एफ से अटापूटी यहां से लाइसेंस, लेकिन सोपन 14 नंबर प्ले ऑन का वहां से खोला गया है। इसी के बीच भी यहां से डिविजन ख्याल गेंद प्ले बना पाएंगे। मैच कवरेज गुना साफ सुन देते जल्दी आसान सुन देते हैं
3 मिनट करना। इसलिए जब भी वहाँ से वहाँ बोर्ड को दिखाए जाएंगे उस समय आप लोग खड़े ना हो जाए, खड़े नहीं रहेंगे, यही हम लोग चाहेंगे। लेकिन यहाँ से स्टेपन है प्रभु गेम को लेने के बाद इस समय अपने सपोर्टिंग को वहां तलाशते हुए गेंद पे सर। अब धीरे धीरे यहाँ चुनौती जरूर है सत्ता दो टीम के पास उसी बीच में अजय, लेकिन ये नीता और कृष्णा का अच्छा वहां से पास बढ़ा दिया अपने सपोर्टिंग के क्षेत्र में। लेकिन इस बार इतना सुंदर मैच को खेल है वास्तव में, मगर यहाँ से सिर्फ एक गोल की कमी मैच को वापसी में लाने के लिए यहाँ से चाहिए एक गोल, लेकिन इसी बीच में यहाँ से रामचंद्र मरंडी गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा तालमेल भेज से आए हुए प्लेयर वहां से जश्न पर वकील का अच्छा प्रयास रहा था, लेकिन इसी बीच में दूर से किया गया एक तगड़ा अटेम्प्ट सनील सोरेन के द्वारा, लेकिन गेंद सीधे गोल लाइन से बाहर। अब चुनौती बढ़ रही है जो समय इंजरी टाइम को एंड किया गया उससे काफी समय आप निकल चुकी है। मैच का नतीजा क्या होना है इस मुकाबले में